हवस का शिकारी ने अपनी प्यास बुझाने करता रहा महिला के साथ 2 साल तक रेप। हम आपको बता दें कि यह कारनामा जनपद ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां एक महिला को पहले बहलाया फुसलाया और शादी का झांसा दिया, उसके बाद 2 साल तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब महिला ने शादी करने के लिए अपनी बात कही तो आरोपी उस महिला को डांटने फटकारने लगा, बाद उसे धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और पीड़ित महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। महिला को जानकारी मिलते ही उसने धोखा देने की बात कही तो आरोपी छुपकर भागता रहा। महिला ने पुलिस में जाकर शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी मिथुन उर्फ छोटू बसुंधरा कॉलोनी इलाइट के पास का रहने वाला बताया जा रहा है और पीड़िता ने यह भी बताया कि अब आरोपी के परिजन द्वारा समझौता नहीं करने पर दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मुझे 2 साल तक रखा, तो मेरे साथ रेप किया, उससे बोला कि शादी करेंगे तुम अकेली हो, मेरे साथ रहो, और अब वो मुझे छोड़ के चला गया। मैंने उसके FIR की थी तो मुकदमा लिखा गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उसके घर वाले मुझे जवाब आ रहे हैं कि राजीनामा करो, तो मार देंगे।